बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फजल ताला हैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील महबूब है और आज चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जॉयस्टिक और स्कैनर। लास्ट लेक्चर में हमने माउस और ट्रैक बॉल के बारे में डिस्कशन की। हम चूँकि पढ़ रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइसेज, मैंने आपको बताया था पॉइंटिंग डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं जिनके ज़रिए से हम स्क्रीन पे जो कर्सर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इस बुक में जो पॉइंटिंग डिवाइसेज मेंशन हैं वो एक हमने माउस पढ़ी, दूसरी हमने ट्रैक बॉल जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी वो पॉइंटिंग डिवाइसेज थी। इसी तरह से आज हमने जो जॉयस्टिक पढ़ना है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेज में है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइसेज जो हमने पहले लेक्चर में दो पढ़ी वो थी और एक ये है और एक आगे हम पढ़ेंगे लाइट पेन, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यानी चार इस बुक में पॉइंटिंग डिवाइसेज मेंशन है, बाकी दरमियान में दूसरे इनपुट डिवाइसेज भी हैं। तो इन चारों के बारे में आपने याद रखना कि यही चार पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन, ये इस बुक में मेंशन है। ये बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था लाहौर बोर्ड में, आई थिंक 2017 में ये आया था कि कोई सी चार पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम लिखें। तो यही चार पॉइंटिंग डिवाइसेस बुक में मेंशन है, जॉयस्टिक है, ट्रैकबॉल है, माउस है और लाइट पेन है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो आज हमने जो आर्टिकल पढ़ना है 3.1.4 जॉयस्टिक, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। वैसे इसका जो मेन काम है जॉयस्टिक का, ये इस्तेमाल होता है गेम्स खेलने के लिए, मतलब वीडियो गेम्स खेलने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको इसके बारे में पता भी होगा, इसके ऊपर एक लीवर होता है, मतलब लाइक एक गियर लीवर जैसे होता है कार का, उस तरह एक लीवर होता है जिसके ज़रिए से हम स्क्रीन पर जो प्लेयर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ बटन्स होते हैं मुख्तलिफ कमांड्स के लिए, उन बटन्स को असल में ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर, ठीक है, उन बटन्स को ट्रिगर कहते हैं। तो वो जो इसके ऊपर लीवर है उसके साथ इसके कुछ बटन्स होते हैं जिनको ट्रिगर कहा जाता है, जिनको यूज करते हुए हम गेम को कंट्रोल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जॉयस्टिक तो यूज होता है गेम्स के लिए, तो अगर ये गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्यों मैंने इसको कहा कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। हालांकि हमने पढ़ा था कि पॉइंटिंग डिवाइसेस तो वो होती हैं जिनके जरिए से स्क्रीन पे कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो याद रखिएगा जॉयस्टिक का एक काम, तो मेन काम जो है वो तो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है जॉयस्टिक, लेकिन ये एक और काम के लिए इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं CAD। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी इसका काम है। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है? इस कंप्यूटर डिज़ाइन कहते हैं कि कंप्यूटर के ज़रिए से हम लोग कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई ड्राइंग्स कर रहे हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर, मतलब डिजिटल ड्राइंग्स जिसे कहते हैं, कंप्यूटर में हम ड्राइंग्स बना रहे हैं, कुछ ड्रा कर रहे हैं। तो हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हुए बहुत सारी ड्राइंग्स, बहुत सारे डिज़ाइन, मुख्तलिफ शेप्स हम ड्रा कर सकते हैं। इसके लीवर को यूज़ करते हुए हम पेन की या पेंसिल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, बटन्स के ज़रिए से रेज वगैरह भी करते हैं। तो ये सारे काम जो हैं हम इसके ज़रिए करते हैं। यही वजह है कि जॉयस्टिक को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा गया। तो वो जो स्क्रीन पे जब हम ड्राइंग करेंगे और हमारा पेन होगा स्क्रीन पे, जो डिजिटल पेन है उसकी मूवमेंट को भी तो कंट्रोल करना है, तो वो हम लीवर से करेंगे, जो इसके ऊपर लीवर लगा होता है उसके ज़रिए से उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो चूंकि वो सामने एज अ कर्सर उस टाइम काम कर रहा होता है ड्राइंग के दौरान, इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये बोर्ड में MCQ आ चुका है जॉयस्टिक में से, एक दफ़ा नहीं मेरा हालांकि 2 से 3 दफ़ा आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर प्ले द गेम्स, कि गेम्स खेलने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है, तो वो जॉयस्टिक है। मतलब सिंपल सा MCQ था और आसान बोर्ड में आ चुका है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल नंबर 3.1.5 है जिसका नाम है स्कैनर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से, स्कैनर क्या है इसको आपने ध्यान से समझना है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, तो उसमें से वो स्कैनर पे आंसर लगाते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि ऐसा नहीं है। हम चूँकि देखें ना इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, अभी आउटपुट डिवाइसेस वाला पोर्शन अभी आगे आएगा, हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, तो स्कैनर इनपुट डिवाइसेस में मेंशन है। तो इनपुट डिवाइस है ये, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इमेजेस को रीड करना, मतलब कंप्यूटर में इमेज डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ तरह की इनपुट कंप्यूटर में हम एंटर कर सकते हैं, हमारा डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, मतलब टाइपिंग करके भी हम एंटर कर सकते हैं, इमेज डाटा भी कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं। तो टेक्स्चुअल डाटा एंटर करने के लिए हमने जो डिवाइस इस्तेमाल की थी, हमने पढ़ी थी, उसका नाम था कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए हमने कंप्यूटर में टेक्स्चुअल डाटा एंटर किया था, जबकि अगर हमने कोई इमेज कंप्यूटर में एंटर करनी हो, तस्वीर, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं स्कैनर को। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, उसका पेज है मेरे सामने, तो वो हार्ड कॉपी है, मतलब मेरे पास है एक किताब और वो जो पेज है वो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं इसे कंप्यूटर में एंटर करना चाहता हूँ डिजिटली,
याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, जो चीज़ कंप्यूटर में चले गई है वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है, ठीक है। जो चीज़ कंप्यूटर में चलेगी वो डिजिटल हो गई, तो डिजिटली मैंने इसको कंप्यूटर में इस पेपर को सेंड करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली स्कैनर के ऊपर इस पेपर को रखूँगा, जैसे फोटोकॉपी मशीन के ऊपर वो पेपर को रखा जाता है ताकि वो कॉपी हो, इस तरह से उल्टा करके इसको स्कैनर के ऊपर रखा जाएगा। इस पेपर की जो इमेज है वो कंप्यूटर में चले जाएगी और डिजिटल फाइल बन के स्टोर हो जाएगी। जब मैंने कहा डिजिटल तो इसका मतलब कंप्यूटर में चले गई, जब कंप्यूटर में चले गई तो वो एक फाइल बन के सेव हो गई। अब जब कंप्यूटर में चले गई वो फाइल, मैं उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, उस इमेज को, मतलब उस पेपर की जो इमेज है वो मैं किसी को सेंड भी कर सकता हूँ, उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, उसकी कॉपी भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये सारे काम मैं उसके ऊपर कर सकता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ कि स्कैनर के जरिए से हम क्या करते हैं, कोई हार्ड कॉपी कोई पेपर है, कोई इमेज है या कोई वैसे पेपर है हमारे पास, उसको मैंने कंप्यूटर में करना है, तो मैं स्कैनर के ऊपर रखूंगा, वो इसकी इमेज जो है तस्वीर वो कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देगा, तो हमारे सामने वो पेपर कंप्यूटर में नजर आएगा। जब वो चीज कंप्यूटर में चले गई, अब उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं उसके साथ। मतलब बुक के ऊपर बहुत, पेज के ऊपर बहुत कुछ लिखा था, तो मैंने उसमें से एक लाइन चेंज करनी है, ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो बुक में पेपर है, पेज है, कंप्यूटर में तो चला गया, लेकिन मैं इसके ऊपर एक लाइन चेंज करना चाहता हूँ, गलत लिखी है, या वैसे ही मैंने कुछ चेंज करना है उसके अंदर, या कुछ एडिशन करनी है, तो उसके अंदर वो चेंज करूँगा, कुछ एडिशन करूँगा, लाइन ऐड करूँगा। अब ये जो मैं, ये तो तस्वीर है, इसमें मैं कैसे एडिटिंग कर सकता हूँ, तो याद रखिएगा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है OCR, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से जो इमेज कंप्यूटर में चली जाएगी स्कैनर के ज़रिए स्कैन होके, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एडिटेबल बन जाएगा। एडिटेबल बनने से मुराद ये है कि अब मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, उसमें चेंजिंग्स कर सकता हूँ, है तो वो तस्वीर, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उसमें जो टेक्स्ट लिखा था वो चेंज कर सकता हूँ। तो वो चेंज करके मैं उसका प्रिंट आउट निकाल लूँगा, तो वो पेपर के ऊपर जो टेक्स्ट था वो चेंज होके प्रिंटर के ज़रिए से मुझे प्रिंट मिल जाएगा। तो ये इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर ने क्या किया, इमेज कंप्यूटर में एंटर की, वो मॉनिटर ने हमें स्क्रीन पर शो की तस्वीर, वो जो तस्वीर शो की वो मॉनिटर ने शो की, और जब हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंटर से निकलेगा। तो मॉनिटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेज हैं, जबकि स्कैनर ने तो इनपुट किया। तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो हमें इस पेपर को कंप्यूटर में दिखाता है, ये नहीं दिखाता, इसका काम है सिर्फ सेंड करना उस पेपर को कंप्यूटर, मतलब उस पेपर की इमेज कंप्यूटर में सेंड कर देना। बाद में सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम एडिट करेंगे और प्रिंटर से उसका प्रिंट ले लेंगे या मॉनिटर पर उसको देख लेंगे। तो ये काम है हमारे स्कैनर का। अब स्कैनर जो है ये दो तरह के आते हैं, मतलब एक मोनोक्रोम स्कैनर होता है, मोनोक्रोम से मुराद है ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब पेपर के अगर ऊपर कलर भी हैं, कलर पेपर है उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन अगर स्कैनर मोनोक्रोम होगा, सिर्फ टू कलर्स हैं ब्लैक और वाइट, तो फिर कंप्यूटर में हमें वो पेपर ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आएगा। लेकिन कलर स्कैनर भी मौजूद हैं मार्केट में, जिनके ज़रिए से जो भी कलर है पेपर के ऊपर वो एज इट इज़ आपको कंप्यूटर में नज़र आएगा। तो जो कलर स्कैनर होता है वो एट अ टाइम एक पेपर पूरा रीड करने की सलाहियत रखता है, ये बात आपने याद रखनी है। जबकि मोनोक्रोम स्कैनर, मोनोक्रोम से मुराद जो ब्लैक एंड वाइट होता है जिसमें मल्टीपल कलर्स नहीं होते, जबकि मोनोक्रोम स्कैनर जो है वो उसकी स्पीड भी कम होती है और थोड़ा थोड़ा करके पेपर को स्कैन करके कंप्यूटर में दिखाता है, उस पर टाइम भी लगता है। तो ये दो हमने आज टॉपिक पढ़े जो इनपुट डिवाइसेज में थे, जिसमें ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इमेज डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। या MCQ आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू एंटर इमेज डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम या ग्राफिकल डाटा, तो आपने याद रखना है उसका आंसर स्कैनर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इंशाल्लाह माइक्रोफोन और वॉइस रिकॉग्निशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।